आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक कर रहे हैं हम, ये जो एयरफोर्स के एग्ज़ाम 21 से स्टार्ट होने वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद 100% रहती है। फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट के अंदर जो क्वेश्चन आपका आ सकता है वो इसकी क्या पूछ सकता है, यूनिट। और दूसरा इसके बारे में क्या पूछ सकता है, इसका डायमेंशन, स्पेसिफिक हीट का। तो स्पेसिफिक हीट होती क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या है, किसी वस्तु को गर्म करने के लिए दी गई ऊष्मा। स्पेसिफिक हीट होती क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हीट करने के लिए जो दी गई ऊष्मा होती है वो क्या होती है, आपकी स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, किसके ऊपर डिपेंड होती है, जो हीट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मास के ऊपर ऑब्जेक्ट के। और हीट क्या हो जाएगा, जब देंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होगा आपका, चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू डेल क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शन एम डेल्टा टी। जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका एस। एस किसको रिप्रेजेंट करेगा यहां पर, स्पेसिफिक हीट को। एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डेल क्यू, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इसके अपॉन में आ जाएगा एम डेल्टा टी। तो यहां से ये यूनिट क्या हो जाएगी, हीट या एनर्जी कुछ भी हो, सभी की यूनिट क्या होती है, हीट या एनर्जी की कोई भी फॉर्म हो या वर्क डन हो, सबकी यूनिट क्या होती है, आपकी जूल। ये तो हो गया जूल के इक्वल। मास की यूनिट क्या होती है, केजी। तो केजी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, केजी इनवर्स हो जाएगा, या इसको हम बोल सकते हैं जूल पर केजी पर केल्विन। या नीचे क्या है आपका, केजी, और डेल्टा टी टेम्परेचर की यूनिट क्या है, केल्विन। तो ये क्या हो गया आपका, जूल पर केजी पर केल्विन। फिर इसके डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है आपको पता ही होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ML2T-2, और मास का क्या हो जाएगा M, और टेम्परेचर के लिए क्या हो जाएगा आपका केल्विन। मास से मास कैंसिल, तो मास क्या बच गया आपका, M0 L2T-2, और केल्विन ऊपर गया, इसकी पावर 1 थी, क्या हो गया आपका, -1। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा बन सकता है, लेटेंट हीट से बन सकता है। लेटेंट हीट होती क्या है, गुप्त ऊष्मा। तो ये क्या होता है, जो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है आपका, मास और हीट क्यों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यों इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट फैक्टर लिया इसके अंदर हमने क्या लिया, एल, और एल निकालना है, एल इज इक्वल टू क्यों बाई एम। हीट की यूनिट क्या होती है आपकी, जूल, और मास की केजी, तो जूल पर केजी। ये किसकी यूनिट हो गई हमारी, लेटेंट हीट। उसके बाद इसका डायमेंशन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। पता ही आपको, जो हीट होता है, हीट एज ए वर्क फॉर्म ऑफ एनर्जी, ML2T-2, और मास के लिए M, M से M कैंसिल, M0 L2T-2। ये डायमेंशन किसका हो गया हमारा, लेटेंट हीट का। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये भी एग्जाम में डायरेक्ट सीधी सीधी रिलेशन पूछी जाती है, क्वेश्चन वगैरह बनने के बहुत कम ही चांस रहते हैं। कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, कोफिशियंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन बीटा, और क्यूबिकल एक्सपेंशन गामा। जो बीटा होगा वो 2 टाइम्स क्या होगा आपका, अल्फा, और गामा क्या होगा आपका, 3 टाइम्स अल्फा। तो अल्फा बीटा गामा के अंदर रिलेशन पूछ ली जाती है, किसके इक्वल होगी आपकी, 1:2:3। ये सिंपल क्वेश्चन थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन आपके ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन बन सकते हैं, डायमेंशन या यूनिट या इनके फॉर्मूले या ये रिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, अब जो क्वेश्चन बन सकता है, बॉयल्स लॉ के बारे में पूछ सकते हैं। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, जो प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन वॉल्यूम, तो सॉरी, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन वॉल्यूम। इसके अंदर क्या होगा आपका, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, बॉयल्स लॉ। उसके बाद चार्ल्स लॉ की बात करते हैं। चार्ल्स लॉ के अंदर जो होगा आपका,
वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टेम्परेचर, इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका प्रेशर होगा कॉन्स्टेंट, तो वी वन बाई वी टू इज इक्वल टू टी वन बाई टी टू, इस तरह क्वेश्चन यहां से रिलेशन वगैरह बन के आ सकता है आपका। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिलेशन जो डायरेक्ट रिलेशन ही पूछ ली जाती है, मेयर रिलेशन ऑप्शन दे देंगे आपको, उनमें से पूछ लेंगे रिलेशन कौन सी है, तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। सीपी क्या है यहां पर, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और सीवी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और सीपी क्या है आपका, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू आर। ये क्या है आपकी मेयर रिलेशन। उसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट या रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन रेट ऑफ सॉरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन चेंज इन टेम्परेचर। यहां पर ये ना लिखकर डेल्टा टी भी लिखा मिल सकता है आपको, पर ये चेंज इन टेम्परेचर क्या है आपका, किसके टेम्परेचर किससे चेंज होगा, टी जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और टी नोट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ये कुछ रिलेशन थी इंपॉर्टेंट।